नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पे आप सभी का स्वागत करता हूं। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि राष्ट्रीय विभूति मंच के तत्वाधान में चंद्रशेखर आजाद स्मारक स्थल गोड्डा में मनाई गई। उपस्थित सभी लोगों ने चंद्रशेखर आजाद के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर भाजपा के जिला अध्यक्ष गोड्डा के राजेश झा मौजूद रहे। राजेश झा ने उनके व्यक्तित्व से सीखने की सलाह दी। बढ़ते अगली खबर की ओर। राष्ट्रपति के स्वागत को लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम तैयार हो गया है। तस्वीरों में देख सकते हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के शनिवार को देवघर आगमन के मद्देनजर प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई है। शुक्रवार को संथाल परगना प्रमंडल के आयुक्त अरविंद कुमार, पुलिस उप महानिरीक्षक राजकुमार लकड़ा, देवघर की उपायुक्त नैन्सी सहाय और पुलिस अधीक्षक नरेंद्र कुमार सिंह की मौजूदगी में राष्ट्रपति के देवघर आगमन को लेकर तय रूट लाइन का निरीक्षण किया गया। अधिकारियों ने इस दौरान जायजा लिया। इस मौके पर राष्ट्रपति के कारकेड का कुंडा हवाई अड्डा से निर्धारित रूट होते हुए मंदिर व सर्किट हाउस तक मॉक ड्रिल किया गया। षोडशोपचार विधि से कराया जाएगा पूजा। राष्ट्रपति को षोडशोपचार विधि से पूजा कराई जाएगी। उनके मंदिर प्रांगण में आगमन के साथ ही 11 वैदिक पुरोहितों के द्वारा शंखनाद कर स्वागत किया जाएगा। बाबा मंदिर प्रबंधन की ओर से पूजा के लिए चांदी के सारे बर्तन की साफ सफाई कर ली गई है, जिसमें कि परात, घड़ा, कलश, कटोरा, त्रिवेदी, कोसी, पंचपात्र, कमंडल सामग्री की सफाई की गई है। जबकि मंदिर आगमन पर प्रशासनिक भवन में राष्ट्रपति को सरदार पंडा गुलाब नंद ओझा, जिला प्रशासन एवं पंडा धर्मरक्षिणी महासभा के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश भारद्वाज, महामंत्री कार्तिक नाथ ठाकुर के द्वारा उन्हें प्रतीक चिन्ह शॉल आदि भेंट किया जाएगा। अगली खबर में देखते हैं किस तरीके से झारखंड विधानसभा अध्यक्ष श्री रविंद्रनाथ महतो, मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री आलमगीर आलम ने पंचम झारखंड विधानसभा के प्रथम बजट सत्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर सभी मंत्री एवं सभी विधायक उपस्थित थे। हालांकि बजट सत्र में विपक्ष से जो प्रतिपक्ष नेता का पद है उनकी सीट खाली है, क्योंकि तकनीकी कारणों के कारण अभी भी बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष नहीं माना गया है। विधानसभा सचिवालय की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई है। बढ़ते अगली खबर की ओर। तस्वीरों में देख सकते हैं गोड्डा पुलिस ने एजीएम गोली कांड के कांड को लेकर उद्भेदन करने का दावा किया है। एजीएम सोमनाथ चक्रवर्ती को कुछ ही दिन पहले गोली मारी गई थी और इसके रिगार्डिंग उन्होंने कहा कि अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें कि 9mm का एक पिस्टल, दो जिंदा गोली, दो देसी कट्टा .315 का एक जिंदा गोली और चार मोबाइल फोन बरामद किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार राज्य संघर्ष शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। देश लगातार जो है देश में अलग अलग राज्यों में शिक्षक अपनी मांगों को लेकर हड़ताल करते रहते हैं, लेकिन बिहार में ये हड़ताल अनिश्चितकालीन जारी है और एक ही बैनर के तले सभी शिक्षक संघ आने के बाद सरकार पर लगातार दबाव बन रहा है। बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति की जो मांगे हैं एक समान एक वेतन की और नियोजित शिक्षकों को लेकर लगातार आप भी पेपर में रूबरू होते रहते हैं, सरकार की तरफ से रूबरू होते रहते हैं, तो इस बार के बजट में ऐसा कुछ प्रावधान लग नहीं रहा है कि सरकार इस समस्या का निदान करने में सफल हो पाएगी। हालांकि बातचीत जारी है और देखना है कि शिक्षा मंत्री, जो कि अभी उन्होंने बयान दिया है इस पर, आगे वो किस तरीके कार्रवाई करते हैं और जो मांगे इन लोगों के द्वारा रखी जा रही है उसको लेकर भी लगातार बिहार सरकार गौर करने के मूड में, क्योंकि ये चुनावी साल है और चुनावी साल में इस तरीके की अनिश्चितकालीन हड़ताल जो है वो कहीं ना कहीं वोटरों को इफेक्ट कर सकती है और इसको लेकर सरकार भी बैकफुट पर नजर आ रही है। हालांकि आप देख सकते हैं तस्वीरों में यहां पर किस तरीके से शिक्षक अलग अलग जगहों पर डटे हुए हैं, उनकी जो मांगे हैं उसको लेकर वो तमाम तरह की बातचीत सरकार से कर रहे हैं कि भाई हमारी मांगों को जल्द से जल्द माना जाए ताकि शिक्षा व्यवस्था जो है सुचारू रूप से पुनः अच्छे रास्ते पे जा सके। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देख सकते हैं तस्वीरों में सुशील मोदी ने जो बजट पारित किया है उसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि बजट से बिहार का कोई खास भला नहीं होने वाला है। हालांकि सुशील मोदी जो कि बिहार के वित्त मंत्री, उन्होंने साफ किया कि इस बजट में सभी चीजों को ध्यान में रखा गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर आ रही है निशिकांत दुबे जो कि गोड्डा के लोकप्रिय विकास पुरुष सांसद हैं, तस्वीरों में देख रहे हैं। स्वामी राम भद्राचार्य जी से निशिकांत दुबे ने मिलकर आशीर्वाद लिया है। सितंबर के महीनों में उन्होंने राम कथा के लिए देवघर आमंत्रित किया है। इन्हीं की कोर्ट में गवाही के कारण राम जन्मभूमि में एक तरीके से जीत मिली है, ऐसा निशिकांत दुबे का कहना है। हालांकि हिंदुस्तान का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में इन्होंने खोला है। प्रधानमंत्री जी कल यानी कि एक तरीके से चित्रकूट दिव्यांग विश्वविद्यालय में जा रहे हैं, तो वहां देखना होगा कि किस तरीके से मीडिया भी कवरेज करती है। बढ़ते अगली खबर की ओर। विधानसभा में बजट सत्र
तो चालू हो गया, लेकिन विपक्ष में बैठे हुए जिस तरीके से भाजपा ने सोचा था कि विपक्ष नेता प्रतिपक्ष की भूमिका बाबूलाल मरांडी सही तरीके से निभाएंगे, उसमें एक तकनीकी अड़चन आ गई। अब देखना है कि आने वाले दिनों में किस तरीके से इस मुद्दे को लेकर भाजपा जो है आगे बढ़ती है, कानूनी दांवपेच का सहारा लेती है, क्योंकि टेक्निकल रूप से अभी बाबूलाल मरांडी को विधानसभा सचिवालय की तरफ से कोई सूचना नहीं दी गई है।